सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सतीश वर्मा। नंबर सीरीज की बात चल रही थी, पार्ट टू के बारे में बात करेंगे आज हम। इस पार्ट में क्या खास है आज में कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर्स बेस्ड हैं, ठीक है। जो लेवल आपका पीओ में आने वाला, मैंने वही क्वेश्चंस यहाँ पर 10 लिए हैं, उसी कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि स्लोप सीरीज़ का क्या कह रहा है। जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था कि हम नंबर सीरीज को कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका स्लोप चेक करेंगे कि कितना वो इंक्रीज़ हो रहा है या कितना वो डिक्रीज़ हो रहा है, डिवाइड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन से बात करते हैं आज के। देखिएगा पहला क्वेश्चन, इसको खुद एक बार ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से हम करेंगे। देखिए, अगर देखते ही बच्चा क्या देखेगा यहाँ पर कि ये 11 का स्क्वायर्स है, ठीक है। ये देखेगा बच्चा कि ये 11 का स्क्वायर है, ठीक है, 11 का। ये देखेगा 12 का, ठीक है। लेकिन आगे क्या आ गया, 190, ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न नहीं है। फिर क्या चेक करेंगे, इसमें डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस देखेंगे यहाँ पर कितने का है, 23 का। यहाँ पर कितने का है, 46, ठीक है। यहाँ पर कितने का है, 69। देखिएगा 23 का टेबल यहाँ पर हमने देख लिया कि 23, मैंने पहले ही बताया था, अगर तीन कॉन्जिक्यूटिव जो पेयर हमारे मिल जाते हैं तो वो क्या होता है, मतलब वही पैटर्न हमारा रियल होता है। अगर दो मिलते यहाँ पर कुछ हो रहा था, तो वो नहीं। यहाँ पर तीन आ गया तो नेक्स्ट क्या आएगा, 92 को इसमें ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, 351। दैट इज़ आवर आंसर, ठीक है। हम यूनिट डिजिट से भी जा सकते हैं कि 2 को 9 में प्लस करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 1, ठीक है। हालांकि यहाँ नन ऑफ दीज है, रिस्क नहीं ले सकते, फिर भी जिसमें नन ऑफ दीज नहीं होगा तो हम यूनिट डिजिट से भी जाएंगे ताकि मल्टीप्लाई भी ना करना पड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अगर हमारी सीरीज बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर लगभग क्या है, 30, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 से, ठीक है। ऐड और सब्ट्रैक्ट बाद में देखेंगे, सबसे पहले हमने देखना क्या है कि मल्टीप्लाई हो रहा है या क्या हो रहा है, ठीक है। हमने सिर्फ चेक किया कि यहाँ लगभग 5 से हो रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 5 से। यहाँ किससे, 16 है, यहाँ 65, मल्टीप्लाई करें किससे, 4 से, यहाँ 3 से, यहाँ किससे हो रहा है, 2 से, और यहाँ 1 से। अब देखो, 1 से किया प्लस 2, ठीक है, 2 से किया प्लस 3, ठीक है, 3 से किया, इसको 3 से करेंगे क्या जाएगा हमारे पास, 9 और 59, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 63, क्या हो जाएगा, प्लस 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 6। अब नेक्स्ट क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके, अब देखना गाइस, यहाँ पर यूनिट डिजिट सबकी लास्ट वाली जो डिजिट्स है वो सबकी अलग है, हमें पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। होगा क्या, यहाँ पर मल्टीप्लाई तो होगा हमारे पास 6, ठीक है, और प्लस क्या होगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना, यहाँ पर मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, देखो प्लस क्या हो जाएगा, 7। अब देखो, इस डिजिट को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, लास्ट में क्या आएगा, 6, और 6 में 7 ऐड करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 3, और 3 किस में है, सिर्फ लास्ट वाले ऑप्शन में। आंसर क्या हो गया, ये आपने यहाँ पर टाइम बचाना, ये नहीं कि आप इसको पूरे को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर आप इसमें 7 ऐड करेंगे, ठीक है। लॉजिकली चलना है अप्रोच से कि लास्ट की यूनिट डिजिट सबकी अलग है, तो अलग में क्या देखा हमने, लास्ट में 3 आना था तो 3 पे हमने टिक मार किया और नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखने लग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो ये है गाइस क्वेश्चन, इसमें देखो किस तरीके से सीरीज दी है, इजी है, सारी मैंने इजी ली है इस वाले पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ाऊंगा और आपकी अप्रोच देखूंगा कि आप कहां तक सोच पाते हो सीरीज में। चलिए, होप्स आपने ट्राई किया होगा। देखिए इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ से देखते हैं कि इसमें गैप कितने का है, 4 का, यहाँ कितने का है, 9, यहाँ कितने का है, 16, 25, नेक्स्ट यानी देखिए 2 का स्क्वायर्स, 3, 4, 5, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 6,
और लास्ट में क्या जाएगा 7 का, मतलब 49 इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 6 का और यहाँ पर 7 का, ठीक है। स्क्वायर्स में भी पूछ सकता है डिफरेंस, क्यूब में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो क्या जाएगा लास्ट में, इसको ऐड करेंगे हम 49, लास्ट में क्या है हमारे पास 4। देखिए 49 इसमें ऐड करेंगे 95 में, लास्ट डिजिट क्या आएगी 4, तो आंसर क्या हो गया 144। लास्ट डिजिट से हमने चलना है, तो वो भी चीज़ हमने देखनी है, हम टाइम कहाँ पर बचा सकते हैं। सोचिए अगर आप 10-10 सेकंड अगर एक क्वेश्चन में बचा लोगे अप्रोच से जो आप सीख रहे हो, तो 2-3 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा हो सकते हैं। और 2-3 क्वेश्चन का मतलब पता क्या है कि आप क्वालिफाई हो सकते हो। बच्चे 0.25 से रह जाते हैं, एक एक क्लिक करने से रह जाते हैं, आंसर्स का पता होता है लेकिन टाइम ख़त्म हो जाता है। तो हमने सीखना है कि किस तरीके से टाइम बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन लेने का मेरा एक मोटिव ये था कि आपको स्क्वायर्स आने चाहिए। अब देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, तो अगर आपको स्क्वायर्स याद हैं 50 तक, तब आप इस क्वेश्चन को विद इन 10 सेकंड कर लोगे, ठीक है, 10 सेकंड। अगर आपको नहीं याद तो आप इस क्वेश्चन को डेफिनेटली स्किप करोगे या यहाँ पर टाइम लगा के अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि स्क्वायर्स आपको आने चाहिए 50 तक, अप टू 50, ठीक है, आने चाहिए, और आपकी स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी वो आने से। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये 29 का स्क्वायर्स है, ये कितने का है 31, और ये 33, 35, 37, और ये है 39 का। नेक्स्ट कौन सा आना है 41, 2-2 का गैप है, 29, 31, 33, 2 का गैप है, यहाँ पर 2 का गैप हो जाएगा, क्या आ जाएगा 41, और 41 का स्क्वायर्स क्या होता है 681, ठीक है। अगर आपको याद है तो आप क्लिक कर दोगे, नहीं अदरवाइज आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने में क्या होगा 10-12 सेकंड आपके मल्टीप्लाई में ही चले जाएंगे। तो याद करना, छोटी छोटी चीज़ें हैं, फंडामेंटल्स हैं ये गेम, मैथ की गेम के समझो, तो आप उनके ऊपर अगर आपने पकड़ बना ली तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कवर कर जाओगे। देखिए नेक्स्ट, अब देखो इस क्वेश्चन में भी वही मल्टीप्लाई का चल रहा है, सारे क्वेश्चंस बेसिकली नॉर्मली है, आज कोई टफ क्वेश्चन नहीं होगा, टफ इन द सेंस कि ये लेवल रहने वाला है आपका, अगर आपके पास नंबर सीरीज मिसिंग आती है तो आपका ये लेवल रहने वाला। एक क्वेश्चन हो सकता है कि वो फंसाने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स दे दे, तो क्या बताया था 20-25 सेकेंड, अगर आप पैटर्न आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो आप उस क्वेश्चन को 20 सेकेंड्स में करो, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो स्किप कीजिए, नेक्स्ट चलिए। याद रखिएगा सिर्फ 20 मिनट्स हैं आपके पास, 35 क्वेश्चन आपको देखने भी हैं, एक बार पूरा गो थ्रू होना जरूर है पेपर से, ऐसा ना हो कि आप स्टार्टिंग में अर्थमेटिक उठा लो या फिर आप रोंग नंबर सीरीज करने लग जाओ तो टाइम क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा, और लास्ट में आपके पास देखा कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आई है या आपके पास सिंप्लीफिकेशन आई है, लास्ट में एग्जामिनर ने क्या सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन डाल दी, और आप स्टार्टिंग में क्या हो गया नंबर सीरीज़ में फंस गए या रोंग नंबर सीरीज़ में फंस गए या अर्थमेटिक करने रह गए। तो जो बच्चा ये भी जानता है ना कि मुझे स्किप क्या करना है, तो उसकी भी सिलेक्शन सबसे बड़ी, सिलेक्शन में उसका सबसे बड़ा रोल प्ले होता है कि हमें स्किप क्या करना है, करने से पहले छोड़नी क्या चीज़ है। तो अर्थमेटिक को 20 मिनट्स में सबसे पहले नहीं करना, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन सीरीज़ आप देख सकते हो, और उसके बाद क्या देख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फर्दर आप DI पे जा सकते हो, उसके बाद अर्थमेटिक पे, ये आपका एक पैटर्न रहेगा अगर आप प्री जब भी दोगे पेपर, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर बात करता हूँ, देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये इसका लगभग 3 times है, ठीक है, मल्टीप्लाई देखा हमने, ये इसका 3 times है, ऐड क्या हो रहा है इसमें +1, यहाँ क्या हो रहा है ये भी इसका 3 times है, ऐड क्या हो रहा है इसमें 3 times करेंगे (3) प्लस क्या होगा लास्ट में 6+2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट डिजिट चेक करनी है, देखिए 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने, क्या आएगा लास्ट में 4 आ जाएगा, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में क्या आएगा 4, और 4 में 3 ऐड करेंगे क्या आएगा लास्ट में 7, तो +4, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगी (3+5), ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा इसमें 21, देखिए यहाँ क्या आ जाएगा 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में क्या आएगा 21, और 21 में 5 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास
यहाँ पर 3 आएगा गाइस, ये चीज ठीक है, यहाँ पर 3 आएगा, ये सही कर लेना। देखिए 3 से किया 1, 3 से किया 2, 3 से किया यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है, 3 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 4। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा हमारे पास लास्ट में 1 और 3 ऐड किया, लास्ट में क्या आ जाएगा 4, और 4 किस में है, सिर्फ एक डिजिट में, ठीक है। लास्ट की डिजिट से हमने चलना है, देख के कि लास्ट की डिजिट अलग है तो पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना। क्या था यहाँ पर पैटर्न, 3 से मल्टीप्लाई किया 1, 3 से मल्टीप्लाई किया 2, 3 से किया 3 और 3 से किया 4। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा लास्ट में, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6, और 6 में 2 ऐड करेंगे 8। तो लास्ट की डिजिट से ही हम इस चीज़ को करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर एकदम से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया, ये सबसे टफ होता है, अगर बीच में क्वेश्चन मार्क दे दे वो आइडेंटिफाई करना। और यहाँ पर फिर अगेन पता नहीं क्या होगा, फिर अगेन क्या हो गया, बढ़ गया या मल्टीप्लाई हो गया। चलिए देखते हैं, अब देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ से सेकेंड टू सेकेंड, इसकी बात करूँ फिर फर्दर जो भी आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं बात करूँ यहाँ पर प्लस 9, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस 9, ठीक है, 9 प्लस 9। और यहाँ पर क्या हो रहा है इसमें, अगर मैं इसकी और इसकी बात करूँ पता नहीं, लेकिन यहाँ और यहाँ देखते हैं क्या है, क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, क्योंकि यहाँ टर्म क्या होगी घट गई, अगर यहाँ पर बढ़ रही है यहाँ पर क्या हो रही है माइनस हो रही है, तो इसमें से माइनस करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 89, और 89 में से माइनस 9 करेंगे क्या आ जाएगा 80। तो आंसर क्या आ गया इसका 89, ठीक है। देखिएगा 1726 प्लस 9 हो रहा है, 26 प्लस 35 प्लस 9 हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, हमने यहाँ देख लिया कि डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट करें क्या आ जाएगा 89, 89 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया और हमारे पास आ गया 80। तो आंसर क्या आ गया इसका थर्ड। देखिए अब ये क्वेश्चन है वही चीज़, लास्ट की टू डिजिट देखी हमने, दो नंबर देखे, क्या हो गया मल्टीप्लाई, अभी हमें पता नहीं किससे मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ देखा नहीं पता, यहाँ देखा, यहाँ से क्या पता लग रहा है कि क्या हो रहा है 17 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है 85, यहाँ किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, प्लस क्या हो रहा है 4, ठीक है। अगर मैं इसको देखूँ 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पर, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ 4, और लास्ट में क्या आएगा लास्ट की डिजिट से, देखिए लास्ट की डिजिट से करेंगे इसे, 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया 6 आया, और 6 में मैंने क्या ऐड किया 3, लास्ट डिजिट क्या बन गई 9। पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बचाना है। चेक करते हैं नेक्स्ट वन, ठीक है, यहाँ 5 से, यहाँ 4 से, और यहाँ अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 3 से किया, लास्ट डिजिट क्या आएगी 7, ठीक है, 7 ऐड किया, यहाँ प्लस 3 किया था, और यहाँ कम हो रहा है 4 था 3 था, यहाँ 7 है, तो क्या आएगा 2 ऐड करेंगे यानी 9, तो प्लस 2। हमने बिना मल्टीप्लाई किए लास्ट डिजिट से चेक किया कि हमारी लास्ट डिजिट क्या है, अगर पूरा मल्टीप्लाई करोगे टाइम लगेगा, जो चीज़ सीखनी है वो सीखिए। अब देखो यहाँ क्या था 4 5 3 4 5, यहाँ क्या आ जाएगा 6, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा 5, पैटर्न बन गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और प्लस क्या करेंगे 1, ठीक है। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया 8, ठीक है, 18 15 और 2, और इसमें 1 प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 2159, ये आंसर है। और इसमें लास्ट डिजिट में क्यों नहीं गए, क्योंकि लास्ट डिजिट, दो डिजिट किस में एंड हो रही है 9 में, अगर दो डिजिट हो रही है तो हमने टाइम वेस्ट नहीं करना डिजिट में, हम सीधा मल्टीप्लाई करके आंसर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में भी वही लॉजिक लगाएंगे मल्टीप्लाई वाला, देखेंगे कि क्या हो रहा है।
देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ से मल्टीप्लाई करके देखते हैं थ्री टाइम्स, ठीक है, अगर मैं थ्री टाइम करता हूँ तो 60 आता है माइनस टू, ठीक है, लेकिन ये इसका थ्री टाइम नहीं है, ये टू टाइम्स भी नहीं है, टू टाइम्स हो सकता है, ठीक है, चलिए देखते हैं हो क्या रहा है यहाँ पर। अगर मैं इसको टू से मल्टीप्लाई करता हूँ, 58 को टू से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो इसको मैंने टू से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, टू से किया सिक्स और टेन इलेवन, क्या ऐड करूँ 34 आ जाए प्लस 18, ठीक है 34 आ गया। यहाँ पर भी अगर मैं टू से मल्टीप्लाई करता हूँ, टू से मल्टीप्लाई किया, लास्ट में क्या आ जाएगा 8 और प्लस क्या करेंगे 18, लास्ट में क्या आ गया 6, मतलब क्या पैटर्न बना इसका, मल्टीप्लाई 2 प्लस 18, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 2 प्लस 18। अगर मैं एक को दो से मल्टीप्लाई करता हूँ और 18 प्लस करता हूँ क्या आ जाएगा 20, तो यहाँ पर भी क्या आएगा हमारे पास इंटू 2 प्लस 18, ठीक है, और लास्ट में क्या आ जाएगा इसको 12, इसको करेंगे 17 और 5 प्लस 18 करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 09, ठीक है 095 590, सेकेंड ऑप्शन आंसर आ गया। क्या पैटर्न था, मल्टीप्लाई 2 प्लस 18 मल्टीप्लाई 2 प्लस 18 मल्टीप्लाई 2 प्लस 18, तो ये आपका लेवल रहने वाला है, इसलिए मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपको ये चीज़ें आ जाएं। देखिए क्वेश्चन, अब कहीं होता क्या है कि पॉइंट्स वाली सीरीज़ को देखते ही बच्चा स्किप कर देता है कि मेरे से नहीं होगी पॉइंट से, लेकिन मैंने क्या बताया कि लास्ट की डिजिट से चलते हैं दो से, ठीक है, फिर इनके पास आते हैं, फिर इनसे आते हैं। अब देखिए अगर मैं यहाँ से इसको चेक करूँ तो क्या हो सकता है, डिजिट्स को मल्टीप्लाई करने में आप दिक्कत कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने बताया कि लास्ट डिजिट से चलते हैं। देखिएगा ये लगभग इसका कितना गुना है 5, मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हो रहा है 5 टाइम्स कैसे चेक कर लिया मैंने, किसी भी डिजिट को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना होता है करते क्या है हाफ करते हैं, लास्ट में क्या लगा देते हैं एक जीरो, देखिए कैसे, जैसे 4 2 8 है, अगर मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, देखिए किसी भी डिजिट को अगर हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 2 8 था, अगर मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करता हूँ इसका हाफ लास्ट में 2 0, यानी 1 2 4 लास्ट में 1 0, किसी भी डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करना, मैंने देखते ही पता कर लिया कि क्या हुआ इसका हाफ हुआ और लास्ट में 0 लगी है, मतलब 5 से मल्टीप्लाई हो गया। चलिए देखिए अब 5 से मल्टीप्लाई हुआ और ये कितने टाइम्स है, लगभग 4 टाइम्स, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा हमारे पास 78, 4 से किया ये 3 से हो रहा है और ये कितने से हो रहा है 2 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, 3 से करेंगे ये, 4 से करेंगे ये और 5 से करेंगे नेक्स्ट क्या आएगा 6, इसको 6 से करेंगे यानी 0 4, ठीक है, तो लास्ट में 0 4 किसके आ रहा है 40, 2 के आ रहा है, देखो मैंने दो डिजिट ली 4 4 0 आया, लेकिन 40 यहाँ पर भी है और 40 यहाँ पर भी है, तो क्या करेंगे नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, लास्ट में रिमाइंडर क्या रह गया था हमारे पास कैरी करना था जो वो 5 था, और इसको करेंगे हम 18 और 5 23, ये आंसर है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ एक ही डिजिट देखी कि हाँ 40 यहाँ पर है क्लिक किया और आगे निकल गए, गलत हो जाएगा, पूरी डिजिट्स को चेक करना है, एक्यूरेसी के भी मार्क्स मिलते हैं। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई कीजिए, बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वही जो मैं एक सीरीज पहले करा चुका हूँ, देखिए इसमें डिफरेंस फिर इसमें डिफरेंस, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस और फिर यहाँ पर, एक नंबर को छोड़ के ये भी एक पैटर्न है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है -7, ठीक है -7, यहाँ पर क्या हो रहा है अगेन -7, और यहाँ पर क्या हो रहा है +7, तो यहाँ पर भी क्या होगा +7 करेंगे क्या आ जाएगा 31, ठीक है। ये आपका क्लर्क और पीओ लेवल के क्वेश्चंस हैं जो मैं लेके आया था, यहाँ पर 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, यही आपका पैटर्न रहने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं, अगर मैं टफ़ कराऊंगा तो आप ये मत सोचिएगा कि इतने टफ़ नहीं आते, टफ़ देने का मतलब ये नहीं कि आपसे ना हो,
मतलब क्या होता है, सिखाना। अगर मैं कोई क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का या अप्रोक्सीमेशन का आपको टफ देता हूँ, तो वहाँ से आपको एक अप्रोच पता लगती है कि हाँ हम नंबर्स के साथ कैसे खेल सकते हैं। तो टफ को मत देखिए, आप देखिए कि आप सीख कितना रहे हैं, ठीक है। आपको भी पता है कि क्लर्क का पेपर बहुत ईजी आता है, 84 तक या 90 तक बच्चे अटैम्प्ट कराते हैं और कट ऑफ भी 76-78 के अराउंड जाती है, ठीक है, दिल्ली की, हरियाणा की, ठीक है, इतने के नियर अबाउट जाती है। तो पेपर तो बेसिकली क्या आएगा, ईजी आएगा, लेकिन क्या होगा अगर आप टफ यहाँ करोगे तो ईजी तो आप कर ही लोगे। आज मैं ईजी लेके आया था ताकि आपको ये ना हो कि हाँ सर ईजी आते हैं, आप टफ करा रहे हो क्वेश्चन। चलिए 10 क्वेश्चन थे आज के इसमें। तो टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको हर जो भी टीचर यहाँ पर हमारी जो टीम है वो अपनी PDF प्रोवाइड कराती है इस चैनल पर, जैसे ही लेक्चर ख़त्म होता है तो 2 घंटे तक या इवनिंग तक डाल देते हैं वो अपनी PDF। तो मैं भी जब ये मेरा पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं पूरी 200 क्वेश्चंस की आपकी PDF वो बना के रखी हुई है, ताकि आपके जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सर।